बात सतना की, जहां सतना सिटी कोतवाली में मानवता को शमशार करने वाला एक मामला सामने आया। गरीबी आज भी किस तरह अभिशाप है, इसका जीता जागता नजारा सतना के एक रेस्टोरेंट। दरअसल एक युवा समाजसेवी जब गरीब बच्चों को रेस्टोरेंट में पिज्जा बर्गर खिलाने पहुंचा तो रेस्टोरेंट संचालक ने बुरा भला बोलते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। गरीब बच्चे व उन्हें नाश्ता कराने वाले जितेंद्र सिंह रेस्टोरेंट से बाहर आते ही सीधे कोतवाली थाने पहुंचे। जितेंद्र सिंह जब गरीब बच्चों को पिज्जा बर्गर खिलाने रेस्टोरेंट ले गए, उसे देखकर रेस्टोरेंट संचालक भड़क गया और बच्चों को ये कहकर रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया गया कि गरीबों के लिए ये रेस्टोरेंट नहीं है। जिस पर जितेंद्र, उसके साथी और रेस्टोरेंट मालिक के बीच जमकर बहस भी हुई। पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। वहीं रेस्टोरेंट मालिक के दुर्व्यवहार से आहत समाजसेवी युवाओं ने सिटी कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। तो एक तरफ तो राइट टू इक्वालिटी की बात की जाती है और दूसरी तरफ ये तस्वीरें हैरतअंगेज करती है और काफी दुख देती है कि इस तरह का व्यवहार किया जाता है। मानवता को शमशार करने वाली ये तस्वीरें हैं, जहां एक रेस्टोरेंट में कुछ गरीब बच्चे, भूखे बच्चे खाने के लिए पहुंचे तो उनके साथ मौजूद जो युवा समाज सेवी था उन्हें और उन गरीब बच्चों को रेस्टोरेंट से बाहर ये कहकर निकाल दिया गया कि ये रेस्टोरेंट गरीबों के लिए नहीं है, गरीब बच्चों के लिए नहीं है। ये कैसा न्याय है या ये कैसा फरमान है, ये समझ के परे है। और ये पूरी तस्वीरें सामने आ रही है जहां ये युवा समाज से भी इन गरीब बच्चों को रेस्टोरेंट में बैठाकर खिलाने ले गया, लेकिन अचानक से ही रेस्टोरेंट के मालिक आते हैं, अपनी अमीरी का रौब झाड़ते हैं और अमीरी का रौब झाड़ते हुए कहते हैं कि ये रेस्टोरेंट में गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, या तो इन्हें नीचे बैठा के खाना खिलाया जाए या बाहर ले जाकर खाना खिलाया जाए, रेस्टोरेंट के अंदर ही नहीं बैठ सकते। तो वाकई क्या गरीबी अभिशाप है, ये इस पूरे मामले की बात समझ में आ रही है। एक तरफ कहा जाता है कि हम समाज के हर आखिरी व्यक्ति तक हर एक जरूरत जो है मुहैया कराएंगे और समाज का यही दायित्व है, लेकिन समाज इन तमाम मुद्दों से भटकता जा रहा है और सिर्फ शान शौकत के चलते इस तरह से ये व्यवहार करता नजर आ रहा है। तस्वीरें सतना से सामने आई है, सतना के चार सुट्टा बार से ये तस्वीरें सामने आई है। हाँ बात करिए, भैया खा सकते हैं ना भैया, वो भी अगर इसे थोड़ी है वो भी खा ये गरीब बच्चे वहाँ पे मांग रहे थे चाय सुट्टा बार में। हम दो तीन दोस्त गए, हम वो भीख हमसे भी मांगे, तभी हम लोगों ने उनको भीख नहीं दी। हमने सोचा कि उनको अंदर बैठा के कुछ खिला दें, तो उन्होंने बोला हम बर्गर खाएंगे डोसा, तो हम बोले ठीक है। तो अंदर ले गए, कुर्सी बैठा के उनको ऑर्डर किए, मंगाए, तो उनके मालिक ने आधा जैसे आके हम लोग खा चुके थे, आधा बचा था, तो उन्होंने आके हाथ पकड़ के भगा दिया बाहर, गरीब बच्चों को भगा दिया बाहर। बोलते हैं यहाँ गरीबों के लिए कुछ नहीं है, नीचे बैठा के खिलाओ या फिर बाहर, या फिर उनके घर में ले जाओ तो उनके घर में खिलाओ, यहाँ गरीबों के लिए कुछ नहीं है, आप बाहर बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा नहीं सकते हैं। चार सुट्टा बार में बच्चों को लेके गए थे, पिज्जा ऑर्डर किया था, उस बीच शायद इनका कहना है कि चाय के जो सुट्टा बार के मालिक हैं उन्होंने उनको वहाँ बैठने से आपत्ति करी और उनको वहाँ से बाहर कर दिया। इस बात की शिकायत इन्होंने किया है और मेरा मानना है मानवीय दृष्टिकोण से चाहे गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कोई भी जगह सबके लिए है। यदि वहाँ ये पैसे देकर वहाँ उनको खिला रहे थे तो ये इनका काम है खिलाना, तो उनको वो करना चाहिए था, चूंकि ये वो विक्रेता है और एक क्रेता है, और इस बात पे यदि इनके साथ बदतमीजी हुई है तो मैं उसकी जांच कराऊंगा और यदि उसमें उनके द्वारा कोई अपराध किया गया है तो उस पर कार्रवाई होगी। और हमारे संवाददाता पुष्पराज फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पुष्पराज, मानवता को शमशार कर देने वाली वाकई ये तस्वीरें हैं जहां पर अमीरी गरीबी में फर्क होता नजर आ रहा है, क्या ये पूरा मामला था, कौन सा ये रेस्टोरेंट है, कौन ये संचालक थे जिन्होंने इस तरह का व्यवहार किया है? जी आपको बता दें नेहा जी कि कल सतना के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रीवा रोड के निजी रेस्टोरेंट चार सुट्टा बाजार का मामला है बार का, जहाँ पे कुछ नवयुवक समाज सेवी अपने नाश्ता चाय के लिए गए थे। वहाँ पे उन्हें कुछ गरीब बच्चे बाहर खड़े मिल गए थे जिन्होंने इनसे भीख मांगा था, तो उन्होंने भीख देने से इनकार किया
और उन्हें नसीहत देते हुए अंदर ले गए बच्चों को और बोले कि आपको कुछ खाना है तो उन्हें हम आपको खिला सकते हैं। तो बच्चों ने बर्गर पिज्जा खाने की इच्छा जाहिर की, तो उनका बर्गर पिज्जा खरीदते थे वो जैसे ही खिला रहे थे नवयुवक लोग जो है समाज सेवी लोग, तो उसने रेस्टोरेंट के मालिक जो है तो काफी आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि ये गरीबों के लिए नहीं है, इन्हें बाहर ले जाके खिलाएं, या मेरा रेस्टोरेंट है। इस तरह से उन्हें बाहर कर दिए, काफी जवाब भी हुई है, उन लोगों की बातचीत हुई समाज सेवियों की, फिर समाज सेवी काफी जाकर के सिटी कोतवाली में इस चीज की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, वहाँ पर लिखित रिपोर्ट दिया है जिसपे थाना प्रभारी ने जांच के आदेश दिए हैं। कौन ये संचालक कौन है, कौन ओनर है इस रेस्टोरेंट का जिसमें इतना गुरूर इतना घमंड? ये रेस्टोरेंट के मालिक खड़े करके हैं और ये लोग लेकर के किराए पे चला रहे हैं इसको। बिल्कुल, तो क्या कुछ कार्रवाई की बात सामने आ रही है? क्योंकि पुष्पराज, एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हम समाज के हर आखिरी व्यक्ति को साथ लेकर चलेंगे तभी समाज का कल्याण और उत्थान होगा, लेकिन इस तरह से अगर छोटे भूखे बच्चों को रेस्टोरेंट से भगाया जाता है और पैसे पे करने के बाद भगाया जाता है तो काफी शर्मसारी तस्वीरें और ये पूरा मामला। बिल्कुल, ये सरकार गरीबों के प्रति सजग और गरीबों के प्रति नई नई योजनाएं लाके कार्य कर रही है और इस तरीके से ये तस्वीर सामने आ रही है जब भारत गुलाम था और इस तरह की से भारतीयों के साथ दुर्दशा होती आदमी सुना था देखा था, लेकिन आज भारत देश आजाद है और इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो काफी शर्मसार हैं और काफी निंदनीय घटना है ये। बिल्कुल पुष्पराज, निंदनीय घटना है और सब इस घटना की निंदा करते हैं। सतना में जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है इस व्यवहार के बाद, इस मामले के सामने आने के बाद, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद? ये तस्वीरें और मीडिया की खबर आने के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और इस रेस्टोरेंट के खिलाफ सब आक्रोशित हैं, कार्रवाई की सब मांग कर रहे हैं कि इसकी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए ताकि आने वाले लोगों को सबक मिले, दूसरे रेस्टोरेंट किस तरह के सबक मिले। तो पुष्पराज, ये समझ सकते हैं कि ये जो रेस्टोरेंट है ये सिर्फ अमीरों के लिए है, पैसे वालों के लिए है? कोई गरीब या कोई इच्छा रखता है ऐसा व्यक्ति कि वो कभी इन तरह के रेस्टोरेंट में जाके नहीं खा सकता, कोई उन्हें खिला रहा है, वहां ले जाकर सुविधा उपलब्ध करा रहा है, तो वो नहीं जा सकते, सिर्फ अमीर लोग जा सकते हैं रेस्टोरेंट में? बिल्कुल, इसने बहुत ही गलत कदम उठाया है और ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए। रेस्टोरेंट तो सभी के लिए बराबर होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, और वो भी गरीबों के लिए अमीर पैसा देके उसको खिला रहे हैं तो उसकी कोई इतराज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा पुष्पराज, यहाँ पे महिलाएं भी बहसबाजी करती नजर आ रही है, हमने एम्बियंस जब सुना, पूरा वीडियो जब देखा तो महिलाएं जो है वो हिदायत ज्यादा देती नजर आ रही है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इन बच्चों को नहीं खिला सकते हैं, तो ये किस तरह की महिलाएं हैं? कहा जाता है कि समाज का कल्याण महिला से होता है, लेकिन महिलाएं जो है बच्चों का अगर सहयोग नहीं कर रही और इस तरह से छोटे बच्चों को भगा रही है तो काफी सवाल भी यहाँ खड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इसमें महिलाएं भी वहाँ पे देखने को मिली, तस्वीरों के माध्यम से देखा गया है और उनकी भी इस तरीके से मतलब गलत कदम उठाए गए हैं, नहीं करना चाहिए। जो ये समाज सेवी है इनका क्या कुछ कहना है, काफी आहत ये हुए हैं इस पूरी घटना के बाद से? समाज से भी तो इसको लेकर के काफी आक्रोशित हैं, पुलिस अधीक्षक से भी मिलने की बात कर रहे थे कल, थाना प्रभारी को लिखित रिपोर्ट दिया है कि इस पे कार्रवाई, थाना प्रभारी ने इसमें जांच कर कार्रवाई करने की बात भी कही है, घटना स्थल पे थाना प्रभारी आए भी थे और पूरी जांच पड़ताल कर इसमें कार्रवाई करेंगे ताकि आगे आने वाले लोगों को और रेस्टोरेंट को थोड़ा से सबक मिल सके। वैसे देखा जाए तो ये पहली घटना इस तरह की सामने आई है सतना से जहां पर किसी रेस्टोरेंट मालिक में या किसी अमीर व्यक्ति में इतना गुरूर इतना घमंड है कि वो इस तरह का भेदभाव गरीबों से कर रहा है। बिल्कुल, अभी तक ऐसा सतना शहर में नहीं देखने को मिला। ठीक है पुष्पराज, बने रहिए हमारे साथ फोन लाइन पर। सतना से जो थाना प्रभारी है संतोष तिवारी जी वो जुड़ चुके हैं। तिवारी जी स्वागत है। तिवारी जी, ये मानवता को शमशार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, अमीरी गरीबी का फर्क करती है तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक रेस्टोरेंट संचालक ने गरीब बच्चों को, भूखे बच्चों को रेस्टोरेंट से भगा दिया ये कहकर कि वो गरीब है, किस तरह से कार्रवाई, कैसा एक्शन लिया जाएगा? देखिए, एक हमारे पास एक जितेंद्र जी हैं, उन्होंने ये कहा कि जो है हम वहाँ पर रेस्टोरेंट में वो खुद गए थे, वो उनका कहना है कि वहाँ बच्चे जो रहते हैं सामने, कई जगह रहते हैं जो जो कस्टमर्स जाते हैं उनसे 2 रुपए 5 रुपए ऐसा करके मांगते रहते हैं, उनका कहना है कि मैंने उनको पैसे न देकर मैंने कहा कि तुम्हें मैं जो भी वहाँ उपलब्ध खाने का सामान है वो मैं तुम्हें खिला देता हूँ, और इसी बात पर जो है उनका रेस्टोरेंट का मालिक है, नाम मुझे याद नहीं है, कोई रेस्टोरेंट वो है, इनका कहना है जितेंद्र जी का, उन्होंने कहा कि अंदर नहीं खिलाओ बाहर खिलाओ। तो मैंने भी इस बात को मानवता के नाते उसको संज्ञान में लेते हुए मैंने कहा ठीक है, मैं भी
चलता हूँ और मैं उनके साथ ही गया था, खुद ही गया था मैं अपना लेके रेस्टोरेंट में, और दोनों को बुलाकर आमने सामने मैंने बात किया तो बात क्लियर हुआ कि एक्चुअल में वो जो मतलब जो चीजें कह रहे हैं, जितेंद्र जी का कहना था कि इन्होंने उनको कहा कि बाहर बैठाइए अंदर मत बिठाइए, तो मैंने इस बात से उनसे भी बात की, उनके भी वो थे इशूज, उन्होंने बताया कि सर ऐसा नहीं था वहाँ एक्चुअली में बहुत सारे जो चूंकि वो चाय का दुकान है, चाय पीने के लिए वहाँ लोग बैठते हैं और वहाँ काफी भीड़ भाड़ रहती है, लड़कियां वगैरह भी अंदर बैठती हैं, जो महिलाएं बैठती हैं, तो उनका उनका कहना था कि मैंने इसलिए कहा कि इनको इस जगह जहाँ केबिन है उसमें न बिठा के इधर बिठाएं, इस बात पर इनको गलत फहमी थी। मैंने उनको समझाया, मैंने डांटा भी, कोई जो है इसके लिए जो है गरीब और अमीर का फर्क करके, तो इस उस बात के लिए वो हुआ था। जितेंद्र और ये सामने भी थे, उस बात माना कि थोड़ी सी गलत फहमी हुई थी, कोई इस उद्देश्य से नहीं, किसी को अपमानित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था, ये बात सामने आई। आपने पूरा शायद वीडियो नहीं देखा होगा, वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दो महिलाएं और एक पुरुष जो है इनको कह रहा है कि ये बच्चे यहाँ नहीं बैठ सकते, इन्हें बाहर ले जाके खिलाया जाए, और अब जो है वो अपने स्टेटमेंट से पलट रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि कोई कार्रवाई या कोई एक्शन लेना चाहिए? हमारे संविधान में भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव के लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई जगह नहीं है, उसके बाद भी कानून को हाथ में लिया जा रहा है, संविधान को हाथ में लिया जा रहा है और मानवता के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है सर। तो वही चीज की तो जांच करने के लिए दिया, इसलिए तो मैं गया था, मैं इसीलिए उनके स्टेटमेंट लिया था, और क्या चीज है उस पर यदि गलत देखे, यदि कुछ गलत हुआ है वो, क्योंकि कोई मारपीट नहीं हुई किसी के साथ, कोई गाली गलौज नहीं हुई, हाँ ये कहा गया कि आप यहाँ नहीं, यहाँ बैठिए, और इस बात पर जो जो भी वो होगा वो हम करेंगे, हम इसीलिए गए थे, खुद गए थे, मैंने उसकी गंभीरता को और उसके महत्व को समझा, तभी मैं इस उससे जब इन्होंने कहा तो मैं गया था, और मीडिया वाले भी लोग थे वहाँ मौजूद, उनके सामने ही सबसे बात किया था, उन्होंने भी ये माना कि हाँ जो वहाँ काफी भीड़ रहती है, काफी भीड़ होती है, और काफी उनका जो है वहाँ पर रेस्टोरेंट का, कुछ बच्चों से ही क्यों परेशानी हुई? इतनी भीड़ थी तो किसी और को जाके कह देते, बड़े बड़े जो युवा बैठे थे उन्हें कह देते कि युवा है वो बाहर जाके खा सकते हैं, छोटे बच्चे जो जिनका सपना होता है कि रेस्टोरेंट में आके खाएं, छोटे बच्चों को तो बैठने की परमिशन मिल सकती है ना सर आसानी से, उनको क्यों टारगेट किया गया? बिल्कुल सही है आपका कहना है, मानवता के नाते बिल्कुल सही है, कोई अमीर और गरीब के आधार पर भेद नहीं कर सकता, और करने की कोई बात भी नहीं होनी चाहिए, इसी बात की तो जांच करने के लिए गए थे, आज उनको बुलाया था और गए थे, जो उसमें गलत होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई। चलिए सर, कोशिश कीजिए कि इस तरह का मामला सामने ना आए और लोगों को एक सीख मिल सके। धन्यवाद तमाम हमारे साथ चर्चा के लिए, और पुष्पराज आपका भी धन्यवाद। तो ये मामला और ये तस्वीरें शमशान करने वाली सतना के रेस्टोरेंट से सामने आई है, चार सुट्टा बार का ये मामला है, जहां पर गरीब बच्चों को एक समाज सेवी पिज्जा बर्गर खिलाने ले गया, तो अमीर रेस्टोरेंट संचालक ने कह दिया कि इनके लिए कोई जगह नहीं है, गरीबों के लिए इस रेस्टोरेंट में कोई जगह नहीं है।